हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना जो डिनर के बाद जो किचन का क्लीनिंग रहता है वो वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये डिनर के बाद का किचन का सिचुएशन है। देखिए कितना सारा गंदा हो गया है। डिनर बनाते टाइम ये सब गंदा तो होता ही रहता है। और ये देखिए काउंटर टॉप भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और ये बर्तनों का ढेर लग गया है। एक्चुअली उस दिन मैंने शाम के टाइम अपना जो भी स्नैक्स वगैरह किए थे उसका भी बर्तन पड़ा था, मैंने साफ नहीं किए। ऐसे कभी कभी मन होता है कि मतलब एक टाइम के लिए बस थोड़ा सा बैठकर आराम ही करें, कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है। तो मैं भी इसी तरह का वीडियो कभी कभार देख लेती हूँ, ताकि वीडियो देखने से क्या होता है थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो मैं भी कुछ काम कर लूँ, अपना सारा काम फिनिश कर दूँ। तो वही बस आकर डिनर के बाद ये किचन का बर्तन धोना, किचन क्लीन करना, उसी काम में लग गई हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सारे जो बर्तन है वो मैं साफ उसको अभी क्लीन करूँगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो बस मेरा बर्तन धोना हो गया, अब है काउंटर टॉप और गैस का कुक टॉप जो है वो क्लीन करने का। और ये जो है ये मेरा होममेड क्लीनर है, ये ऑल इन वन है। इसी से ही मैं अपना जो भी काउंटर टॉप और चिमनी और जो पीछे का जो वॉल है वो इसी से ही क्लीन करती हूँ। पहले क्या मैं जो कि पानी का जो कपड़ा रहता है उसको उसी से ही मैं ये सब क्लीन करती थी, पर उसमें जो पानी का जो निशान रहता है, जो स्टेन रहता है वो रह जाता है और उसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे पानी का जो स्टैंड रहता है उसको छुड़ाने के लिए मुझे जो बर्तन धोने वाला साबुन और स्क्रबर से फिर से घिसना पड़ता है।
तो इसीलिए मैं ये होममेड क्लीनर बनाई हूँ। इसी से आज मैं सारे जो कि मेरा किचन का जो भी रहता है, जो काउंटर टॉप, गैस कुकटॉप और वॉल, ये सब मैं साफ करती हूँ और कैबिनेट्स भी साफ करी। ये देखिए, ये है पहले का हालत जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। ये विफोर क्लीनिंग की क्लिप्स है। ये देखिए कितना मेरा गंदा हो रखा था, ये कुकटॉप वगैरह। तो वही, जैसे कि मैं ये किचन क्लीनर से साफ करती हूँ तो सब कुछ क्लीन हो जाता है और पानी का जो स्टैंड रहता है, जो वाटर स्टैंड जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं रहता। ये देखिए, मैंने अपना किचन और साइड में जो कैबिनेट्स वगैरह है वो भी थोड़ा थोड़ा मैंने क्लीन कर ली हूँ। और साथ ही साथ ये मैंने अपना जो किचन का जो फ्लोर है वो भी थोड़ा पोछा लगा दी हूँ। मैं हर रात को करती हूँ, क्योंकि बर्तन धोने के टाइम उसका जो भी छींटे वगैरह वो नीचे भी गिरता रहता है। तो ये सब रात को ही मैं क्लीन कर देती हूँ, ताकि सुबह उठकर कोई लोड ना रहे कि ये साफ करना है, वो साफ करना है। और कहते हैं ना, जितना किचन अपना साफ रहेगा उतना ही माइंड खुश रहेगा और काम करने का मन भी लगा रहेगा। तो ये देखिए, ये उसी का फोटो है, मेरा किचन का क्लीनिंग। तो बस फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।